नमस्कार दोस्तों, एक बार से स्नेक लवर के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे दोस्तों देख सकते हैं दोनों साइड में दीवारें हैं और बीच में जो दरार है दोस्तों उसी में यहां पे एक सांप देखा गया है। अब देख सकते हैं दोस्तों कैमरे में काफ़ी आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन कोशिश करते हैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों इंडियन स्पेटिकल कोबरा बैठा हुआ है, इसे निकालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देख मार रो पछो मार रो यहाँ को, काफ़ी मशक्क़त काफ़ी क्रिटिकल जगह है दोस्तों, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों दीवार को इस साइड से हम फोड़ के देखते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा दिख रहा है और इसे ईंटों को निकालने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो में बने रहे दोस्तों। काफ़ी खतरनाक जगह है दोस्तों, इसी जगह से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं दोस्तों घरों में थोड़ी साफ सफाई रखें और ऐसी जो भी दीवारें होती है दोस्तों उनको सीमेंट से पैक कर दी जाए ताकि सांप घुसने की गुंजाइश ना हो उसमें। चलिए दोस्तों इसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों इस आ चुका है बाहर, इसे बाहर निकालते हैं और भी इसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों आप इंडियन स्पेटिकल कोबरा, हिंदी में भारतीय नाग और साइंटिफिक भाषा में दोस्तों इसे नाजा नाजा कहते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिक दोनों वेनम होते हैं दोस्तों, जिसे आप हिंदी भाषा में जहर बोलते हैं उसी को वेनम कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी लोग डरे हुए थे दोस्तों। ये अब दोस्तों डर के कारण भागने की फिराक में, चलिए दोस्तों दोस्तों ये काम बहुत खतरनाक है, ऐसे वीडियो देख के आप कॉपी करने की कोशिश ना करें। अरे नानो नानो भलिका जाजी हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों इसे, आप इसकी लंबाई देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों ये सांप कितना खतरनाक होता है। जब भी ऐसा कोई सांप आपको दोस्तों दिखता है तो उससे काफ़ी उचित दूरी बना के रखें दोस्तों, 4 से 5 फीट की। और इन्हें मारे बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये हमारे तो नहीं लेकिन हमारे पर्यावरण मित्र हैं। जिस प्रकार हमारे बिना प्रकृति अधूरी होती है दोस्तों, उसी प्रकार से इन जीवों के बिना प्रकृति अधूरी हो जाती है। जब भी दोस्तों कोई मौका मिले, भगवान ने आपको इंसान बनाया है तो इन जीवों को बचाने की कोशिश करें। ये दोस्तों एक चूहे को खा के रखा था, आप देख सकते हैं जब भी इनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है इनके शरीर में जो भी खाया पिया रहता है दोस्तों वो बाहर निकाल देते हैं हल्का होने के लिए। चलिए दोस्तों उसे पिक करने की कोशिश करते हैं और ले चलते हैं दोस्तों किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसानों का आना जाना ना हो। काफ़ी एक्टिव सांप है दोस्तों, जब भी कोई सा सांप बाइट करता है दोस्तों सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं।
क्योंकि दोस्तों वहीं पे आपके प्राणों की रक्षा हो सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसे बेजुबान को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब भी दोस्तों इसको रिलीज़ करेंगे आपको दिखाएंगे। इस काम को ना करें दोस्तों। और हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखें हमारा वीडियो कहां से देख रहे हो। नया अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों लोगों तक भी हमारी जानकारी पहुंचे दोस्तों। जहां पे अंधविश्वास फैला हुआ है सांपों के कारण, सांपों के बारे में जहां पर अंधविश्वास है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसे हम लेके आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों इसे रिलीज़ करेंगे। ये दोस्तों जाने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसे निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों। इसको इसके अनुकूलित वातावरण में हम छोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ पर जो बची कुची ज़िंदगी है दोस्तों इसकी, यहीं पे अच्छे ढंग से सर्वाइव कर सकेगा, जी पाएगा दोस्तों। गंजबारों का इला पाल लिया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबान को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय प्रकृति। रास्ता पकड़ी।